सरकार समाजवादी की, वो सांसद मुरली मनु जोशी साथ थे, और जो वेंकैया नायडू जी आप वाइस प्रेसिडेंट हैं देश के शहरी विकास मंत्री उस समय थे। तो सोचिए वही मेट्रो, कुछ नहीं किया, केवल रंग बदल दिया मेट्रो का। बनारस भी स्वीकृत किया था समाजवादी सरकार में, आगे बढ़ा दिया था काम। वो गोरखपुर में तो मुख्यमंत्री जी कभी नहीं चला पाएंगे, वहां नाव ही चलेगी। आज ही सब पूछ लोगे, हम आपके साथ हैं। क्योंकि सिलेंडर महंगे होंगे और समाजवादी पार्टी सिलेंडर देगी भी, अभी नहीं बताएंगे, बहुत सारे लोग नकल कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, जो बात में अच्छा हुआ मैंने कागज देख लिए, आपके सवालों में असली सवाल खो जाता। जो मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ है उसमें जोड़े गए नाम हैं 21,56,262। ये जो नई वोटर लिस्ट बन रही है, जो नए वोटर बने हैं, उसकी संख्या है 21,56,262। और मतदाता सूची में काटे गए नामों की संख्या है 16,42,756। और होता यह है कि जो नाम काटे जाते हैं, जो नाम जुड़ते हैं प्रकाशन के बाद, वो सूची जारी होती है। इस बार चुनाव आयोग पता नहीं क्यों, किसके दबाव में इस प्रकाशन को नहीं कर रहा, सूची को जारी नहीं कर रहा। अगर हम ऑब्जेक्शन करना चाहें, हम नाम जुड़वाना चाहें ऐसे पॉलिटिकल पार्टी, तो हम पे कोई जानकारी नहीं है, इसलिए शिकायत की है। और अगर जरूरत पड़ी तो समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग के खिलाफ भी धरना देगी। लोकसभा चुनाव में 2019 तक मतदाता सूची में जोड़े गए नाम, काटे गए नाम की सूची राजनीतिक दलों को दी गई थी। लोकसभा चुनाव 2019 तक मतदाता सूची में जोड़े गए नाम, काटे गए नाम की सूची राजनीतिक दलों को दी गई थी, दी जाती थी। लेकिन इस बार क्यों नहीं दी जा रही है?